अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हर परेशानी से बचाए और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। सबसे पहले ईद का चांद नज़र आ गया है, आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। हाँ जी, आज हम तैयार कर रहे हैं कलेजी। ईद के दिन तो हर घर में ये कलेजी तैयार हो। कलेजी को जितना भी धो लें उसमें से खून निकलता है और उसकी स्मेल दूर नहीं होती। आज मैं आपको बताऊँगी कि कलेजी को कैसे धोया जाता है और इसकी स्मेल कैसे दूर की जाती। मैं कसाई से छोटे छोटे टुकड़ों में कलेजी कटवा के ले आई। कलेजी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको खुले मुंह वाले बर्तन में ये सारी कलेजी डाल लें आप लोग। ये देखें, सबसे पहले तो इसे हम धो के खुश कर लेंगे और इसके बाद मसाला लगाएंगे। तैयार करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप सब तक पहुंच सके। ये सारी मैंने एक बर्तन में डाल दी है। अब इसमें मैं क्या चीज़ लगाऊंगी जिससे इसकी स्मेल दूर हो जाए। हाँ जी, आटा लगा रही हूँ। आधी प्याली आटा मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी फिर इसमें मैं मोटा मोटा इसमें लहसुन कूट के डाल दूँगी। आटा और लहसुन लगाने से ना इसकी स्मेल दूर हो जाएगी। जब आप लोगों के घर कलेजी पकेगी ना उसमें से खुशबू आएगी। इसमें डाल के मैंने मोटा मोटा कूट लिया लहसुन। लहसुन लगाने के बाद मैं एक घंटे तक छोड़ दूँगी ताकि इसकी स्मेल दूर हो सके। लेकिन ईद के दिन तो ऐसा नहीं हो सकेगा ना, वो जल्दी जल्दी आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि कसाईयों के लिए तैयार करनी पड़ती है रोटी। अब इसे धो लूँगी, एक एक करके निकाल लूँगी ताकि वो जो कूटा हुआ मोटा लहसुन था वो निकले। कलेजी को जितना भी धो लिया जाए ना उसमें से खून ज़रूर निकल और स्मेल भी आती है। अब ये देखे साफ़ सुथरी हो चुकी है मेरी कलेजी माशाल्लाह से। देखे इसका पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, कोई खून वाला पानी नहीं है। ये मैंने दो प्याज लिए हैं बड़े बड़े, इनको ना अभी मैंने प्याज को मैं बारीक बारीक भी काट सकती थी लेकिन मैं कद्दूकश करूंगी ताकि आपके लिए आसानी हो ईद वाले दिन, क्योंकि लड़कियां तैयार हुई होती है ना ये बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ जी, इनको मैंने टुकड़ों में काट लिया और इसमें ना मैं चॉप कर लिया। ये मैंने चॉप कर लिया, देखिए जी। कद्दूकश करने के बाद एक मैंने बाउल लिया जिसमें मैं कलेजी डालू, इसमें मैं सारे मसाले डालूंगी मेरे साथ रहें। हर लोग कहते हैं जी हम कलेजी जब पकाते हैं तो हमारी कलेजी सख्त हो जाती है। सख्त क्यों होती है, स्मेल क्यों आती है, ये सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगी। ये देखें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और ये दही, चम्मच हल्दी, दो चम्मच में मिर्चें डाल दी हैं और एक चम्मच में गर्म मसाला डाल के मैंने मिक्स कर दिया। एक कप तेल डाल के इसमें मैंने अब प्याज डाल दिया है। अब ये प्याज मैं ब्राउन करूँगी। देखिए साथ साथ चमचा चलाती जा रही हूँ, मेरे साथ रहें। आस्ता आस्ता ये ब्राउन होता जा रहा है और अपनी शक्ल तब्दील करता जा रहा है। अब ये देखिए ब्राउन, माशाल्लाह ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैंने वो कलेजी का सारा मिक्सचर डाल दिया और साथ ही एक चम्मच मैंने दड़ा मिर्च डाल दिया है। अब इसे मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें पानी नहीं डालना, इसको ये दही जो है वो भी पानी छोड़ेगा और कलेजी में अपना गोश्त का भी पानी होता है ना वो। चार टमाटर भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और ये देखें ये तेल छोड़, जब तेल छोड़ने लगे तो समझ लो तैयार है। अब इसके ऊपर हरी मिर्चें हरा धनिया डाल दो और ये तैयार है। और इसके साथ ही हम अब शामिल करेंगे नमक और फिर थोड़ा सा इसकी बुनाई करेंगे नमक डालने के बाद। ये लें जी, अब थोड़ा सा पानी डाल के इस पर भुनेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये कलेजी हो गई है तैयार, इसे हम एक डोंगे में निकालेंगे और कसाइयों के लिए करेंगे सर्व। डोंगे में डालकर इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें, नींबू और अदरक डालेंगे ताकि ये अच्छे से लगे, ताक खाने में भी मज़ा आए। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम हमारी कलेजी हो गई है तैयार और इधर हम अपनी ये वीडियो करते हैं ख़त्म। चलें अब आप अपने कसाईयों को खिलाएं, ईद पे सब अपने घर वालों को खिलाएं, खुद खाएं और हमें दुआओं में याद करें।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़।